over our sins, हमारे गुनाहों पर, Jesus is king. यीशु जो है उस पर गालिब बादशाह है. Over our governments, हमारी मुसीबतों के ऊपर, Jesus is king. यीशु बादशाह है. जो कुछ यीशु है, जो कुछ उसमें है, जो उसकी पाकीज़गी है, जो उसकी कुदरत है, जो उसका इख्तियार है, जो उसकी हिकमत है, जो उसके इल्म की रोशनी है, अब वो मेरे अंदर है. मसीह की अकल अब मेरे अंदर पाई जाती है. इसलिए अब मैंने उस नई शनाख्त के मुताबिक ये जानते हुए कि मैं कौन हूँ, उसके मुताबिक मेरे अमाल और हरकतों सकनात होनी चाहिए. उस रवैये के साथ, उस मिजाज में मैंने जिंदगी बसर करनी है जो यीशु है. हालेलुया, हालेलुया. पास्टर साहिब, ये बहन रूत अशरफ हैं जो नशारा विरका से तशरीफ लाई हैं जी. 2006 में इनको बदरू ने गिरफ्तार कर लिया और खौफ की बदरू ने इनको जकड़ लिया जी. और इस कदर ये परेशान थी कि अक्सर अबलीस इनके माइंड के अंदर ये बात डालता कि तू कभी भी शिफा नहीं पा सकती जी. और इनको ये महसूस होता था कि ये मर जाएंगे. खौफ की बदरू ने इस कदर इनको जकड़ रखा था जी. और बहन बताती हैं कि इनका ईमान भी इस कदर कमजोर हो चुका था कि ये किसी तरह ठीक नहीं हो सकती थी जी. फिर बताती हैं कि 2018 में इन्होंने बरकत टीवी देखना शुरू किया जी. और जब बरकत टीवी इन्होंने ऑन किया तो मर्द खुदा पास सालिक जॉन बरकत साहब ईमान के तालुक से खुदा उनके कलाम को शेयर कर रहे थे. हालेलुया. बहन ने बड़े ईमान के साथ उस कलाम को सुना और अपने दिल में खुदावन की हुजूरी में दुआ की कि खुदावन तू मेरी बेतकादी का इलाज कर और मेरे ईमान के लेवल को बढ़ा. और बहन बताती है कि जैसे ही इन्होंने खुदावन के कलाम को दिल से कबूल किया और खुदावन की हुजूरी में ये खुद भी दुआ करती रही और मर्दे खुदा पास सालिक जॉन बरकत साहब ने भी उस दिन दुआ की, तो बहन बताती हैं कि वो बदरूहे जो 5 साल से इनको जकड़े हुए थी और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उस ईमान के कलाम की कुदरत के वसीला से हालेलुया छोड़कर जा चुकी हैं और बहन आजाद हो चुकी हैं. हालेलुया. चालीस साल से आप सिगरेट नोशी करते थे और 5 साल से वो शराब भी पहले पीते शराब भी पीते थे, लेकिन यीशु को दिल दे दिया, यीशु ने जिंदगी बदल दी है, नशा छोड़ दिया है. हालेलुया. आज जोरदार तालियां खुदा के जलाल. ये भाई आरफ लैया से हैं, 10 सालों से ये शराब नोशी में इन्वॉल्व थे, पी रहे थे शराब, लेकिन 4 सालों से इन्होंने छोड़ दी है, तौबा कर दी है. खुदावन ने इनकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है. आए जोरदार तालियों से खुदावन को जलाल दें.